छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं और कई जिलों में धारा 144 भी लगाई गई। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करने, बिना मास्क के नहीं निकलने की लगातार अपील भी कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। लेकिन बसना ब्लॉक के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में राज्य शासन और जिला प्रशासन के आदेश का भी पालन होता नहीं दिखाई दे रहा। बैंकों के बाहर काफी संख्या में भीड़ जमा रही और उनके द्वारा सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करते हुए मास्क भी नहीं लगाया जा रहा है, जिससे कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। लेकिन बैंक प्रबंधन लापरवाह बना इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार कई बार बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए गए, बावजूद इसके बैंक प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा, पुनः स्टाफ भेजकर निर्देश जारी करवा रहा हूं कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं बैंक प्रबंधन भी अपना पल्ला झाड़ते हुए बैंक के बाहर भीड़ को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं कहकर अपना बचाव करता नजर आ रहा। जबकि जिला प्रशासन ने सभी विभागों को इसके लिए अधिकृत किया हुआ है कि कहीं भी कोई इसके लिए नियमों का उल्लंघन न हो और लोगों से नियमों का पालन कराया जाए के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले में इन दिनों धारा 144 लगी हुई है, कोविड को देखते हुए मास्क अनिवार्य किया गया, लेकिन देखने को मिला कि आपके बैंक के बाहर काफी संख्या में भीड़ है जो धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, वो लोग मास्क भी नहीं पहने हुए, क्यों? उनको पॉम्पलेट भी दिया गया था बैंक तरफ से, लेकिन किसान पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग अंदर बाहर में रखे, अंदर घुसते समय उनको करवा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोग झुंड में बैठे हुए हैं, मास्क नहीं पहने हुए, कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ने का खतरा बना हुआ है, इसको लेकर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अब बाहर को तो हम बाहर के भीड़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको शासन प्रशासन पुलिस वालों को भी करना चाहिए, हम उसको मना तो नहीं कर सकते। क्या आपके द्वारा इसकी मांग की गई थी पुलिस द्वारा से? नहीं, मांग तो नहीं की गई थी, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन तो दिए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर धारा लगा है तो उनकी जवाब जरूर नहीं है नहीं गया, वो तो अंदर एक एक करके बुला रहे हैं, भीड़ तो बाहर ही है। सर, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, चालानी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जिला सहकारी बैंक के बाद काफ़ी संख्या में भीड़ है जो कि सोशल डिस्टेंस का ही पालन नहीं कर रहे और कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना, ऐसे में कोरोना को कैसे रोका जाएगा? ठीक है, इसको भेज के दिखाते हैं, ड्यूटी लगवाते हैं, उसको पालन करवाते हैं उसका, है नहीं, और मैनेजर को भी चिट्ठी लिखते हैं कि सबके पालन किया जाए अभी कोरोना का। सर, जिले में धारा 144 लगी हुई है और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधन भी लापरवाही बरत रहा है? हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत करना चाहिए उनको अपने स्तर पर, है नहीं। अभी जैसे उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं आदमी भेज रहे हैं ना, कार्रवाई करवाते हैं उसको, है नहीं, पालन करवा रहे हैं उसको। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों को समझाई दे रहा है और जो नहीं मान रहे वो चालानी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देखने को मिल रहा है बैंकों के बाद, खासकर ग्रामीण बैंकों के और सहकारी बैंकों के बाद 144 का भी उल्लंघन हो रहा है, लोग मास्क नहीं कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ है, क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली बैंकर्स को थोड़ी सी व्यवस्था इसमें बनानी चाहिए, वो खुद बना नहीं रहे, मैं आज खुद इसी में निकला हूँ कि और उनको समझाई दे रहा हूँ कि जो है लाइन की व्यवस्था करें, गोला लगा के रखें, लोगों को कतारबद्ध रखें तो बैंक आसानी से चल जाएगा उसमें। अभी हमने बसना भवनपुर के जिला सहकारी बैंकों के बाहर देखा, काफ़ी संख्या में लोग भीड़ में इकट्ठा है, झुंड में इकट्ठा है और मास्क नहीं पहना है, और बैंक प्रबंधन का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। नहीं, ये सभी की जिम्मेदारी है, हम उनको सचेत कर रहे हैं, इनको बराबर उसको लाइन अप कर रहे हैं, इसको हो जाएगा। इसी प्रकार अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए द हॉकर न्यूज़ नेटवर्क के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर न्यूज़ की पहली अपडेट आप तक पहुंचे।